हेलो दोस्तों, मैं स्वप्निल रेगे और आई आई टी एफ की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 5 और 6 में जरूरी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन की। जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन है क्लॉज नंबर 5 और 6 में, आज हम उन्हें आपके साथ डील करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमें कहा था कि हम उन्हें बताएं कि क्लॉज वाइज कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी प्रोसीजर्स जरूरी हैं। तो आज हम क्लॉज 5 और 6 में लगने वाले जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी बात करेंगे। क्लॉज वाइज समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्लॉज आता है 5.1.1.1। इस क्लॉज को अगर आप पढ़ें तो उस क्लॉज में लिखा है, एक कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी के बारे में कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन को कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी बनानी है। जो लीडरशिप है वो कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी बनाए। अब उस पॉलिसी में 3 चीज़ें हैं जिनका खास ध्यान रखना है, जिसमें पहली है एंटी ब्राइबरी पॉलिसी, दूसरी है एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर, और तीसरी है विसिल ब्लोइंग पॉलिसी। हमने इन चीज़ों के बारे में, जब हमने ये वीडियो बनाया था क्लॉज नंबर 5 को लेकर लीडरशिप वाला, उसमें हमने इसे डिस्कस किया है, डील किया है। तो खैर, जो जरूरी है वो ये 3 पॉलिसी इस क्लॉज के थ्रू बनानी है। अगला क्लॉज आता है 5.1.1.2। इसमें आपसे जो बातें कही गई हैं उसको अगर आप कंक्लूड करते हैं तो वहाँ से कुछ बातें जो साफ साफ निकल कर आती हैं, उसमें ये कहने की कोशिश करी गई है कि आपको एक तो प्रोसेस ऑडिट करना है, ठीक है। अब जब आप प्रोसेस ऑडिट करेंगे तो उसके पहले आपको उसका प्रोसेस ऑडिट का एक प्लान भी बनाना होगा, यानी इसमें प्रोसेस ऑडिट का प्लान भी शामिल होगा और प्रोसेस ऑडिट की रिपोर्ट भी शामिल होगी। इसके अलावा एसपीसी वाली बात भी वहाँ पे कहीं ना कहीं निकल कर आती है, क्योंकि इस क्लॉज में प्रोसेस की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो ये बात एसपीसी से जुड़ी हुई है। और जब इनका जो भी रिजल्ट आता है आपका एसपीसी का या आपके प्रोसेस ऑडिट का, इसे आपको मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में डिस्कस करना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एमआरएम की भी बात आ रही है। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग आपको इन 3 चीज़ों पर फोकस करना है, इन तीन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होती है, जिसे मिनट्स ऑफ मीटिंग भी कुछ जगह कहा जाता है, एमआरएम या एमओएम, इसका हमेशा पहले एक एजेंडा बनाया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा इसका एक एजेंडा होता है। इसके 2 कागज़ तैयार होते हैं या 2 डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, एक एजेंडा वाला तैयार होता है और एक जो रिपोर्ट्स आपकी बन रही है, जो मिनट्स आपके बन रहे हैं, वो होते हैं। तो इस तरह से इस क्लॉज में ये बातें कही गई हैं। इसके बाद अगला क्लॉज आता है 5.1.1.3। इसमें आपसे कहा गया है कि एक आप तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाएं। क्लियरली इस चीज़ को लेकर नहीं कहा है, लेकिन जो उसमें जो मतलब निकलता है उस क्लॉज को पढ़ने के बाद, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट नहीं बनाएंगे, आप कैसे बता सकेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, हायरार्की में कौन कौन से डेजिग्नेशन आपने दिए हुए हैं, आपकी हायरार्की कैसे पता चलेगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना होगा, और इसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी JDGR की यहाँ बात हो रही है, इसे आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। तो ये 2 डॉक्यूमेंट स्पेशली आपको इस क्लॉज के थ्रू बनाने होते हैं। अगला क्लॉज आता है 5.2.1। यहाँ साफ साफ क्वालिटी पॉलिसी की बात कही गई है, बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ अलग से समझने की, अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इस क्लॉज में जब आप पढ़ते हैं तो आपको सोचना पड़ता है कि कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, कौन से डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कही गई है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ क्वालिटी पॉलिसी की बात कही गई है, इसलिए यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसके बाद आता है क्लॉज 5.3। ये बिल्कुल स्पेसिफिक होकर कहता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी है, यानी जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट अपना तैयार किया था उसके अकॉर्डिंग आपको अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़ या जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी है और इसको लेके आपका डॉक्यूमेंट बनाना है। ये बात आपसे इस क्लॉज में कहा गया है 5.3 में। ये क्लॉज बेसिकली IATF का क्लॉज है और इसमें IATF के रिगार्डिंग इस बात को मेंशन किया गया है। यहाँ पर 5.3 ये बेसिकली ISO का क्लॉज है, 9001 का क्लॉज है, और उस रिस्पेक्ट में ये बात कहता है। अगला क्लॉज आता है 6, क्लॉज 6 यहाँ से शुरू हो जाता है, और इसमें पहला आता है 6.1.2.1। इस क्लॉज को अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक तो प्रोडक्ट ऑडिट की बात हो रही है, और यहाँ पर भी ये बात है कि जब भी आप प्रोडक्ट ऑडिट करेंगे उसके पहले आपको उसका प्रोडक्ट ऑडिट का प्लान बनाना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, बिना प्लान के कोई ऑडिट कंडक्ट नहीं होता है। तो प्रोडक्ट ऑडिट का प्लान और फिर प्रोडक्ट ऑडिट की जो रिपोर्ट रहेगी या जो प्रोडक्ट ऑडिट आप करेंगे उसका रिपोर्ट, ये 2 चीज़ें यहाँ पर लगेंगी। नॉन कन्फर्मिटी NCM कह रहे हैं, जो भी आपकी इंटरनल नॉन कन्फर्मिटी बनती है उनका आपको रिकॉर्ड रखना है, उसमें आपने क्या एक्शन लिया, आपने उसे रिवर्क पे भेजा, रिपेयर पे भेजा या स्क्रैप कर दिया, वो सारा डाटा यहाँ लगेगा नॉन कन्फर्मिटी के थ्रू।
जो कंप्लेंट्स आ रही है कस्टमर की, उन कंप्लेंट्स का डाटा चाहिए, और फिर आखिरी में ये जो सारी चीज़ें हैं निकल के जो आती हैं, जो इसका जो रिजल्ट इन सभी का निकल कर आता है, उसे आप MRM में डिस्कस करेंगे। तो यानी यहाँ पे आपको मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग की भी बात आती है, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग भी बनानी है, करनी है, ठीक है। यानी इन सभी का जो भी रिजल्ट निकलेगा, इसकी बेसिस पे आप रिस्क का एनालिसिस करते हैं और उसे MRM में डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगला क्लॉज जो निकल के आता है वो है 6.1.2.3, जिसमें कंटिंजेंसी प्लान्स बनाने की बातें कही गई हैं। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए, कंटिन्यूस सप्लाई के लिए कंटिंजेंसी प्लान्स बनाने होंगे। ये डिपार्टमेंटल हो सकते हैं, मेंटेनेंस का एक प्लान हो सकता है, प्रोडक्शन का प्लान हो सकता है, ठीक है, HR डिपार्टमेंट का एक प्लान हो सकता है, क्वालिटी वालों का कोई प्लान हो सकता है, कंटिंजेंसी को लेकर डिस्पैच वालों का कोई प्लान हो सकता है। तो ये कंटिंजेंसी प्लान्स आपको इस क्लॉज में बनाने के लिए कहा गया है। और इसके बाद क्लॉज आता है 6.2, जो कि आपसे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स बनाने की बात कहता है। यानी आपको डिपार्टमेंट वाइज क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स अपने बनाने हैं, अपने क्वालिटी के जो ऑब्जेक्टिव हैं डिपार्टमेंट के वो बनाने हैं। मेंटेनेंस का कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्वालिटी वालों का कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है, HR डिपार्टमेंट का कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है, प्रोडक्शन का कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ये तो बात हुई क्लॉज 5 और 6 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन की। अब हम बात करते हैं क्लॉज नंबर 7 में लगने वाले डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन की। क्लॉज नंबर 7 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, तो दोस्तों अब बात करेंगे क्लॉज नंबर 7 में लगने वाले डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन की। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड या प्रोसीजर हैं जो क्लॉज नंबर 7 में कहे गए, तो देखिए सबसे पहले क्लॉज नंबर 7.1.2 की बात करते हैं। इस क्लॉज में पीपल की बात करी गई है एज अ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स की बात करी गई है। यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय बनाने की ज़रूरत है। आपको अपनी लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कंपिटेंट लोग रखे हैं या नहीं रखे हैं, इसके लिए लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आपको बनाना होगी। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय की बात ये क्लॉज करता है। इसके बाद 7.1.3.1, इसमें प्लांट लेआउट के बारे में कहा गया है। आपको अपने एक प्लांट का लेआउट बनाना होगा। क्लॉज 7.1.4 ये इन्वायरमेंट की बात करता है, और इसमें जो कुछ चीज़ें कही गई हैं उनमें एक अगर आप देखें तो एक लक्स लेवल होता है जो ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लाइट की अवेलेबिलिटी कैसी है, ठीक है। तो ये आप अगर इस क्लॉज को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीज़ें वेरी कर जाती हैं इन्वायरमेंट को लेकर। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि लाइट का लेवल बहुत कम है, लाइट बहुत कम है वहाँ पर, तो वहाँ पर लक्स लेवल चेक करने की ज़रूरत है। अब कहीं दिख ही रहा है साफ साफ कि लाइट बड़ा अच्छा है, तो वहाँ पर फिर आपको ऐसे रिकॉर्ड की कोई बहुत ज़रूरत महसूस नहीं होती है। कहीं अगर आपके यहाँ पर मशीनें जो हैं वो बहुत लाउड हैं, बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो वहाँ पे आपको नॉइस चेक करवानी है। ये भी एक इसमें आता है दूसरी चीज़ जो जिसका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ सकता है। एयर पॉल्यूशन को लेकर भी आपको टेस्टिंग कराने की ज़रूरत है, उसका भी रिकॉर्ड आपको रखना होगा। ये बातें इस क्लॉज में कही गई हैं, इसका इस तरह के रिकॉर्ड आपको ज़रूरत पड़ेंगी। क्लॉज नंबर 7.1.5.1 में आपको लिस्ट ऑफ MEV बनाना है। लिस्ट ऑफ MEV का मतलब हो गया मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट, या लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं। वो सारे इंस्ट्रूमेंट, वो सारे इक्विपमेंट जिनके जरिए आप मॉनिटरिंग या मेजरिंग करेंगे, उनकी लिस्ट बनाना है आपको। इसके अलावा आपको कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड रखना है। जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें आपको कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड भी रखना है। कैलिब्रेशन उन इंस्ट्रूमेंट का हुआ है या नहीं हुआ है, इसका आपको एविडेंस रखना होगा। कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद क्लास 7.1.5.1.1 ये MSA करने की बात करता है, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की बात करता है। आपको MSA करना है। क्लॉज 7.1.5.3.2 ये आपसे एक्सटर्नल लेबोरेटरी, यदि आपकी खुद की लेबोरेटरी नहीं है और आप किसी दूसरी लेबोरेटरी से कैलिब्रेशन करवा रहे हैं बाहरी लेबोरेटरी से, तो उस एक्सटर्नल लेबोरेटरी का आपको स्कोप लेना होगा। दूसरा, उस लेबोरेटरी का NABL का सर्टिफिकेट, उसका NABL एक्रीडेशन का आपको सर्टिफिकेट भी उससे लेना होगा। तो ये दो चीज़ें आपको इस क्लॉज के थ्रू लगेंगी। ये क्लॉज आपसे दो चीज़ें मांगता है। क्लॉज 7.2 की जब बात करते हैं तो ये कंपिटेंसी मैट्रिक्स बनाने की बात करता है। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आपने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया, JDGR की आपने बात करी, अब आपको कंपिटेंसी मैट्रिक्स भी बनाना है। ये इस क्लॉज में कहा गया है कंपिटेंसी मैट्रिक्स बनाएं। साथ ही साथ आपको स्किल मैट्रिक्स भी बनाना है कि आपके यहाँ पर लोग कितने स्किल्ड हैं, ये चीज़ भी इससे क्लियर होनी चाहिए। अगली बात आती है क्लॉज 7.2.1, ये ट्रेनिंग की आइडेंटिफिकेशन, जो ट्रेनिंग नीड है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोसीजर बनाने की बात करता है। इस क्लॉज को जब हम डील कर रहे थे, हमने इस चीज़ को समझाया था कि क्या टोटल क्या तरीका होता है, कैसे पता चलता है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है, तो ये इस क्लॉज में आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्लॉज आता है 7.2.2, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करता है। इन्हें आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के रिकॉर्ड्स रखना होंगे,
आपके यहाँ जो भी लोग नए रिक्रूट होते हैं उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको देना है और उसका आपको रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्लॉज आता है 7.2.3, ये आपसे इंटरनल ऑडिटर कंपिटेंसी को लेकर प्रोसीजर बनाने की बात करता है। यानी आपके यहाँ पर जो इंटरनल ऑडिटर होंगे उनकी कंपिटेंसी को लेकर आपको एक प्रोसीजर बनाना है। इसके बाद आपको उनका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लगेगा। आपने जब उन्हें ट्रेनिंग दी है, उन्हें ट्रेनिंग मिली है, तो उसको आपका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, और साथ ही साथ लिस्ट ऑफ कंपिटेंट ऑडिटर, जो ऑडिटर कंपिटेंट हैं, जो जिन ऑडिटर्स ने उस IATF 16949/2016 की इंटरनल ऑडिटर की ट्रेनिंग क्वालिफाई कर ली है और पास हो चुके हैं, उनकी आपको एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ तक कही गई हैं। अब अगला क्लॉज 7.2.4 से अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, क्लॉज नंबर 7.3.1 में अवेयरनेस की बात कही गई है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को अवेयर करना है। और किस चीज़ के लिए अवेयर करना है? QMS के लिए, या ये जो स्टैंडर्ड है इसके लिए, ठीक है। तो ये आप कैसे अवेयर करेंगे? उन्हें ट्रेनिंग देकर। तो आपको अवेयरनेस पर ट्रेनिंग देना है और इस ट्रेनिंग का आपको रिकॉर्ड रखना है। तो इस तरह से ये क्लॉज के जरिए आप इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। क्लॉज 7.3.2 में आपको एम्प्लॉय मोटिवेशन को लेकर प्रोसीजर बनाने के लिए कहा गया है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करेंगे, इसको आपको एक प्रोसीजर के थ्रू बताना है। एक प्रोसीजर में आपको इस चीज़ को क्लियर करना है। क्लॉज 7.5.1.1 में क्वालिटी मैनुअल की बात कही गई है। क्वालिटी मैनुअल बनाना है, उस क्वालिटी मैनुअल में कुछ चीज़ें आनी चाहिए जो हमने उस टॉपिक को जब उस क्लॉज को जब डील किया था तो हमने उसमें बताया है कि उसमें स्कोप होना चाहिए और भी जो जरूरी चीज़ें हैं। इसके बाद क्लॉज 7.5.3.2.1 ये रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी बनाने की बात करता है। आप जो भी अपने यहाँ पे रिकॉर्ड आपके यहाँ तैयार हो रहे हैं उन्हें कितने समय तक रखेंगे, इसको लेकर आपको एक पॉलिसी बनाना है। इसके बारे में ये क्लॉज आपसे डिमांड करता है। इसके बाद है क्लॉज 7.5.3.2.2.2, ये इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन को लेकर प्रोसीजर बनाने के लिए कहता है। यानी आपकी जो भी इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन है उसको लेकर आप एक प्रोसीजर बनाएं। इस क्लॉज को भी हमने डील किया है, इस क्लॉज को भी हमने समझा है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये तो बात हुई क्लॉज नंबर 5, 6 और 7 में जरूरी जो भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन से, यानी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड या प्रोसीजर से। आज हमारा वीडियो इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, और अगर आपको कुछ भी इसमें लगता है कि कमी लगती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और आप अगर कुछ जानना भी चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में, इनसे रिलेटेड कुछ भी बात, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।